गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आप भी अपने जो वेबसाइट में लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जो आईडी होती है, अगर आपने कोई एग्ज़ाम फिल कर रहा है उसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा रहा है प्लीज़ टाइप करेक्ट इन्फॉर्मेशन एज प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। आज की वीडियो में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपका जो एडमिट कार्ड इशू हो गया होता है और उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी गिवन होता है और आपके जो पासवर्ड तो नहीं होता और सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है। तो जब भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, मतलब अपने वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ता है, तो वहाँ पर वो कभी कभी आपसे एप्लीकेशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगते हैं। तो बहुत सारे यूज़र क्या करते हैं, वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं। दरअसल होता क्या है, जो आपके एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं वही सेम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होता है। अगर आपने वो यहाँ पे फिल कर दिया और बिल्कुल एक्यूरेट पासवर्ड फिल कर दिया तो आप इजीली यहाँ पे इस वेबसाइट में लॉगिन कर पाओगे। पर बहुत सारे यूज़र यहाँ पे ही गलती करते हैं, वो गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है जो भी आपके एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन होगा वही यहाँ पे एंटर करना है। 12 नंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और कभी कभी अलग भी होता है, कभी 10 का होता है, तो आपके पेपर पे डिपेंड करता है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनकी कॉन्टैक्ट टीम से भी, सपोर्ट टीम से भी बात कर सकते हो, आपको उनका कस्टमर केयर नंबर मिल जाएगा और वो भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और जीरो टू इन्फिनिटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।